दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई लंबे समय से जो डिमांड आ रही थी उस डिमांड को लेकर आज वीडियो आप सभी के बीच में हाजिर है। दोस्तों, डिमांड ये थी कि क्या न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होता है, न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होता है तो कहां से होता है, क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से आपको अपने न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो दोस्तों, काफी खास और विशेष टॉपिक को लेकर आज ये वीडियो आप सभी के बीच में है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा, साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपके माइंड में जितने भी सवाल है उन सवालों के जवाब देकर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर पाऊं। दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न्यूज पोर्टल, वेबसाइट डिजाइनिंग और मीडिया से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि एक न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। कुछ बिंदु हर बार की तरह मैंने लिस्ट तैयार करी है, उस लिस्ट पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि कई लोगों का सवाल आ रहा था कि न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, क्या प्रक्रिया होती है और कहां से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, और पहली बात, कई लोगों के ये भी सवाल था कि न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, कई सारे इंटरनेट पर ऐसे ब्लॉग अवेलेबल हैं जो सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है होता है, कोई बोलता है नहीं होता है, कोई बोलता है अभी तक कोई नियम नहीं निकला है, कोई बोल रहा है कि आप फ्री में चला सकते हैं, कोई बोल रहा है संस्थाओं से जुड़ के चला सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में मैं आपको और बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जवाब तो इसका यह है कि हाँ, रजिस्ट्रेशन होता है। जी हाँ, न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होता है, आप लीगल वे में इसका रजिस्ट्रेशन करवा के प्रॉपर काम कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की कि कहां से होता है और कौन करवाता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कि ये रजिस्टर्ड, मतलब न्यूज पोर्टल को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आज एक होड़ सी लगी हुई है, क्योंकि लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि न्यूज पोर्टल का क्या भविष्य है, न्यूज पोर्टल किस प्रकार से काम करता है और कितनी अच्छी अर्निंग आप एक न्यूज पोर्टल से कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो भी इन सभी टॉपिक्स पे विस्तार में और डिटेल में वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज को अवश्य देखें, तो आपको उससे क्लियर हो पाएगा एक न्यूज पोर्टल का क्या फ्यूचर है, न्यूज पोर्टल किस प्रकार से काम करता है और किस तरीके से आप प्रतिदिन 10,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए महीने तक की अर्निंग कर सकते हैं न्यूज पोर्टल के सहारे। तो दोस्तों, लोग इसको भली भांति समझ चुके हैं, पर कई लोग न्यूज पोर्टल बनवा भी चुके हैं, कई लोग बनवाना चाह रहे हैं, कई लोग इस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर उनको समझ नहीं आ रहा इसका रजिस्ट्रेशन करे कहां से। ऐसी स्थिति में कई मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां और कई अलग अलग फ्रॉड कंपनियां, संस्थाएं हैं, वो इसी उलझन का फायदा उठाते हुए लाखों रुपए का लोगों को चूना लगा रही है, 1,000 रुपए का लोगों को चूना लगा रही है। न्यूज पोर्टल रजिस्ट्रेशन के नाम पे बड़ी बड़ी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपको रजिस्ट्रेशन करने का, रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे प्रेस कार्ड जारी कर सकते हैं, अपने पोर्टल को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, आप टीम मेंबर, पत्रकार, संवाददाता बना सकते हैं, ऐसी बातें करके आपसे 1,000 रुपए ले रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, कितनी भी ब्रांडेड, ये आपको मैं सजेशन भी देना चाहूंगा, अपनी तरफ से एक सुझाव देना चाहूंगा, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी नामी कंपनी या संस्था या समिति या संगठन या ग्रुप हो, कितना भी बड़ा नामी ऐसा संगठन हो, किसी को भी न्यूज पोर्टल को रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। आप अपने बिहाफ पे अगर इसी तरह कैसे आपको करना है तो आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन फर्जी संस्थाओं के झांसे में ना आए, इसी समस्या का समाधान, चूंकि ये जो फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, लोगों की उलझने, परेशानी बढ़ रही है, न्यूज पोर्टल लोग चला रहे हैं उसके लिए जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो भारत सरकार ने इसी चीज को देखते हुए एक रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करी है, जिस रजिस्ट्रेशन का नाम है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, जिसको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप अपने पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करवाकर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और उसमें बकायदा आप न्यूज पोर्टल को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने का फायदा यह होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, देखिए लीगल और इनलीगल में अंतर क्या होता है। इनलीगल वो चीज होती है जो आप छुपा कर काम कर रहे हैं या खुलेआम भी कर रहे हैं, पर उसकी जानकारी सरकार को नहीं है कि आप करते क्या हैं, प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है आप करते क्या हैं। तो दोस्तों, वो इनलीगल काम में शामिल हो जाता है, उस दिशा में, उस तरफ चला जाता है। और अगर आप कोई काम छोटे रूप में, बड़े रूप में या अंदरूनी रूप में भी कर रहे हैं, मतलब इंडोर आउटडोर किसी भी तरीके से कर रहे हैं, पर उसकी जानकारी आपने सरकार को दे रखी है कि हम क्या करते हैं, तो दोस्तों वो काम लीगल काम है। कई ऐसे काम है जो हमें दिखते नहीं है पर वो काम मार्केट में चल रहे हैं, तो दोस्तों उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के थ्रू है, सरकार से उन्होंने करवा रखा, अपनी जानकारी सरकार को दे रखी है, तो वो काम लीगल होता है। ऐसे ही अगर आप अपने न्यूज पोर्टल को चलाना चाह रहे हैं, उसका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो आपका काम लीगल हो जाता है।
अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ये उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन MSME रजिस्ट्रेशन ये कहाँ होता है कैसे होता है। तो दोस्तों MSME रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी आजकल मार्केट में इतना फ्रॉड चल रहा है, मतलब 2000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक आपसे ले लिए जाते हैं MSME रजिस्ट्रेशन के। और रजिस्ट्रेशन के नाम पर कई बार गड़बड़े कई दिक्कतें आपको आती है, प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता और बहुत सारी दिक्कत। तो दोस्तों इस दिक्कत का समाधान भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप पास में दिए गए ई मीडिया वेब एंड ऐप के नंबर से संपर्क करके MSME रजिस्ट्रेशन आपके न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन मात्र 500 रुपए, जी हाँ मतलब मात्र 500 रुपए में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और मात्र 15 मिनट में। जी हाँ दोस्तों सबसे बड़ी फैसिलिटी यही है, मात्र 15 मिनट में और मात्र 500 रुपए में आपका रजिस्ट्रेशन MSME रजिस्ट्रेशन ई मीडिया वेब एंड ऐप करके दे देगा। और कॉल पर ही आपको आपका सारी डिटेल फिल करके मात्र 15 मिनट के अंदर आपके मेल पर आपका MSME रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ये सुविधा भी आपके लिए ई मीडिया वेब एंड ऐप लेकर आया है। तो दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहते हैं तो अपने न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात करते वापस अपने टॉपिक पर कि न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होता है, तो दोस्तों हाँ होता है, इस तरीके से होता है MSME रजिस्ट्रेशन के थ्रू न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब एक सवाल यहाँ आकर खड़ा होता है कि क्या ये रजिस्ट्रेशन करवा के हम प्रेस कार्ड जारी कर सकते हैं, क्या ये रजिस्ट्रेशन करवा कर हम संवाददाता पत्रकार अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक स्पेशल टॉपिक है, ये एक अलग टॉपिक है और इस टॉपिक पे विस्तार में चर्चा करते हुए इसके बारे में हर एक जानकारी देते हुए वीडियोस में बना चुका हूं अपने चैनल पर, आपको वीडियो वो वाला मिल जाएगा। इस चैनल पर आप जाएं, उस चैनल पर आप ई मीडिया वेब एंड ऐप के चैनल पर आप उस वीडियो को सर्च करें, देखें कि MSME रजिस्ट्रेशन करवाकर या किस तरीके से आप प्रेस कार्ड जारी कर सकते हैं, एक न्यूज पोर्टल को लेकर किस तरह से टीम बिल्ड कर सकते हैं, संवाददाता पत्रकार नियुक्त कर सकते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आपके लिए आपकी डिमांड पर लेकर आता रहता हूं। अब बात कर लें, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, अगर आप भी किसी विषय को जानना चाहते हैं, किसी न्यूज पोर्टल या मीडिया से रिलेटेड विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज ई मीडिया वेब एंड ऐप पास में जो लोगो बना हुआ आपको दिख रहा है रूबिक्स क्यूब के साथ, ई मीडिया वेब एंड ऐप आप फेसबुक पे सर्च करेंगे, उस पेज पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी विषय पर आप वीडियो चाह रहे हैं, जिस टॉपिक की ज्यादा डिमांड होगी उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में विस्तार में जानकारी में अच्छे डिटेल के साथ में जानकारी आप सभी के बीच में इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। साथ में अगर आप चाहें तो पास में दिए गए नंबर पर SMS भी आपका टॉपिक कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों अब बात अंतिम आ जाती है कि न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, मैंने आपको ये समझा दिया कहां से करवा सकते हैं, ई मीडिया वेब एंड ऐप से भी करवा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा विश्वसनीय और पूरे विश्वास के साथ में, पूरी जानकारियों के साथ में आपको यहां से MSME रजिस्ट्रेशन भी करवा के दिया जाएगा। साथ ही अगर आप न्यूज पोर्टल बनवाना चाहते हैं, अगर आप अपना न्यूज पोर्टल तैयार करवाना चाह रहे हैं तो फुल फीचर्ड फुल टेक्निकल सपोर्ट के साथ में और लेटेस्ट डिजाइन के साथ में न्यूज पोर्टल भी आपको ई मीडिया वेब एंड ऐप बनाकर देगा। क्या चार्जेस है, कैसे चार्जेस होते हैं, कितने चार्जेस होते हैं, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, ये सभी YouTube हमारे इस चैनल पर वीडियो वो वाले अवेलेबल हैं। आप उन वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं कि न्यूज पोर्टल किस प्रकार से काम करता है, क्या स्टार्टिंग बजट होता है, कितनी प्राइस होती है। और आपको ये भी बता चुके हैं कि अगर आपको प्राइस का इशू भी कुछ लोगों को अगर आ रहा है कि बहुत सस्ता चीज बनवाना चाह रहे हैं, वो स्टार्टिंग ही करना चाह रहे हैं, ज्यादा लंबा बाद में देखेंगे अभी स्टार्टिंग करवाने के पर्पज से, तो आप अपने बजट में भी न्यूज पोर्टल तैयार करवा सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड बजट और एक बेस्ट बजट क्या है उसको लेकर भी यूट्यूब पे हमारे एड भी अवेलेबल है और हमारा वीडियोस भी अवेलेबल है। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार। वेलकम टू ई मीडिया वेब एंड ऐप द प्रोफेशनल्स नेटवर्क। हमारा लक्ष्य है कि हम आपकी मदद करें ताकि आप अपने लक्ष्य पूरे कर पाएं, क्योंकि हमारे पास है कलात्मकता की भरमार, हमारे पास है प्रोफेशनल डिजाइनर्स की टीम, हमारी सर्विसेज हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, न्यूज पोर्टल डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट एंड शॉपिंग साइट्स, डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड होस्टिंग। हमारी कोशिश है आपको बेहतर से बेहतर सर्विस देने की, क्योंकि आपकी संतुष्टि ही हमारी खुशी है। वेबसाइट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 7999906109 पर।